हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक प्रोग्राम जो कि हमारी एक सीरीज चली है सेट वन की। उसका ये अगला प्रोग्राम है जिसमें हम एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम देखेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम क्या होता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू होती है कुछ 3.14। ठीक है, तो ये पाई, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आर, आर क्या होता है? हमारा रेडियस। ठीक है, आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस यूजर इनपुट कर सकता है। ठीक है, पाई की वैल्यू स्टेटिक होती है हमेशा 3.14। तो जावास्क्रिप्ट में मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर पाई एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ये 3.14। ठीक है, 14 समथिंग कुछ। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, मैथ डॉट पाई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करना हमें रेडियस स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे, जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर होते हैं डबल मल्टीप्लाई। ठीक है, स्क्वायर निकालने के लिए। तो ये मैथ डॉट पाई रेडियस स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला। तो पाई इंटू आर, ये हमने कर दिया आर इंटू टू। ठीक, तो आर का स्क्वायर, तो इससे हमारा निकल गया एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको आप टू फिक्स्ड लगा सकते हो, पार्सल आउट करके टू फिक्स्ड। तो टू फिक्स्ड में आप टू डाल दोगे तो ये इतनी वैल्यू हमें दिखा देगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम। अगर ये आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।